Srinivasa Kalyanam, the International Peace Festival of Balaji. पहले तो मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद देने का अपना रायडू जी का. रायडू जी लेके आए थे आइडिया. सर हम लोग श्रीनिवासा कल्याणम करेंगे सर बारिन में, अभी तक तो कोई नहीं कर रहा है, तो 2023 के लिए अपन करेंगे. अक्टूबर में लेके आए थे, फिर बात होते 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 फरवरी 20 तारीख को अपने को अप्रूवल मिला टीटीडी से. फिर उसके बाद से हम लोगों का एक 15-20 जनों का एक टीम बन गया, फिर चालू हो गया वो 15-20 का 150 का क्या बोलते स्ट्रॉन्ग कमिटी बन गई, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज. तो उसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट कमिटी था वो हमारा आईटी वालों का, मोस्ट इम्पोर्टेंट था क्योंकि उन लोग ही थे क्यूआर कोड देने वाले. क्यूआर कोड से हमारे को रात का 2-2 बजे तक मिस कॉल फोन कॉल आते थे. मैं साई को और ओमकार को, किधर गए ओमकार दिखता नहीं है, ओमकार को वो रात को पापी जरा बोलता है सर मैं अभी बंद कर दूं, मेरे को सोने के, कल सुबह 8 बजे ऑफिस भी जाने का. बॉस सच ही बोलता है ना, दिस प्रोग्राम इट्स सो मेगा सक्सेस सिंपली बिकॉज हमारा साथ 150 कमिटी के मेंबर्स थे, डेडिकेटेड मेंबर्स थे. दे वर वर्किंग अप टू 2 AM 3 AM. यू नो अगर वो काम नहीं करते तो 28th को जो हमने देखा है वो नहीं होता. सिंपली इट वॉन्ट हैपन. मैं बोल रहा हूँ अपना जो एग्जीबिशन वर्ल्ड के जो जनरल मैनेजर है और की पूरी कमिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल वर देयर, उन लोग बोल रहे थे कि भाई दिसंबर से लेके अप्रैल मिड तक उनके पास बहुत कुछ प्रोग्राम्स हुए उधर, एंड ऑल दोज प्रोग्राम्स वर डन बाय बिग बिग इवेंट मैनेजर्स, समझे ना, बड़े बड़े इवेंट मैनेजर्स हैं. हमारा जो प्रोग्राम है जो पूरे एक दिन का 20,000 तक डिवोटीज आए, भक्त लोग आए, कोई भी इवेंट मैनेजर्स नहीं किए वो प्रोग्राम, हम खुद ही है इवेंट मैनेजर्स, हम खुद ही है ऑर्गेनाइजर्स, हम सब कुछ हम ही है. नव भारत ही है, इन हाउस टैलेंट पूरे को पूरा. तो उन लोग बोल रहे थे कि भाई एक भी खेवस नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आदमी लोग क्यू से मतलब यू नो कट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, क्या है स्पेशलिटी क्या है इसका. तो मैं बोला उनको, तो कोरियन था मेरे ख्याल से, मैं बोला जो अंदर तीन में से एक बड़ा आदमी बैठा है ना, उनका दया है, इसीलिए सब कुछ खाली है, सब कुछ एकदम फ्री में, मतलब नो नॉइज नो हैसल. फिर भी उधर इतना बड़ा क्यू, 200 मीटर तक का क्यू था, चार लोगों का एक क्यू अप टू 200 मीटर्स. मैं भी डर गया था, मैं वो अपना APNRDS चेयरमैन को बुलाने गया तो मैं देख के डर गया, बोला आदमी लोग मेरे पर गुस्सा होएंगे क्या बोल के. बट एवरीबडी वर वेरी काम. आई सेड कपल ऑफ पीपल सॉरी एवरीथिंग इज हैपनिंग, दे सेड नो प्रॉब्लम सर वी नो दिस इज अ डिफरेंट प्रोग्राम. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी अपना जो सक्सेस 28th को देखा है, इट इज़ द इंडिविजुअल वर्क एज वेल एज द कमिटियों का जो भी है, अगर आईटी हो या प्रोक्योरमेंट हो, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में भी देखें आप निरंजन जी, गंगाधर जी, सतीश जी, बोला पूरा कैन से लाइक 35-40-35 लाख रुपए का सामान हम लोग ने इंडिया से खरीदा है. And almost all of them were here by April 20. एक भी ऐसा नहीं था कि भाई अप्रैल 25 को आया, 26 को आया, 27 को आया, नहीं, पूरे को पूरा मटेरियल 98-95% वॉज हियर बाई अप्रैल 20th, इंक्लूडिंग हमारे तीन बड़े बड़े मूर्तियाँ. हमारे मूर्ति 7 दिन तक कस्टम्स में रेस्ट ले रहे थे, तो हमारा पूरा धड़कन मेरा अकेला, किसको भी मालूम नहीं था मूर्ति आया बोल के, किसको भी मालूम नहीं था, हमारे SVCOM XCOM को भी मालूम नहीं था, किसको भी मालूम नहीं था मूर्ति आया. मूर्ति को इतना सक्सेस हुआ है बिकॉज ऑफ एवरीबडी, मतलब आईटी हो, प्रोक्योरमेंट हो, कल्चरल हो, कल्चरल एक्टिविटीज किधर है, हमारा विनय जी
स्पंदना जी और आशा जी, ये तीनों मिलके मतलब दे हैव डन ग्रेट जॉब। मतलब जिसको भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से उन लोग ने बात किया, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, इट वॉज कलरफुल ऑन दैट डे। यू नो अभी भी हमारे रायडू जी फेसबुक में पोस्ट डाल रहे, देखो कितनी कलरफुल दिखते हैं वो, जो भरतनाट्यम हो या कल्चरल डांस हो रहे थे, कल्चरल हो एंड व्हाट एल्स, वेलकमिंग टीम, हाँ वेलकमिंग टीम हमारे रुचि जी, रुचि जी को भूल गया मैं, वो देखो रुचि जी का स्माइल, वो स्माइल एसेट है हमारा नवभारत के लिए। और दो तीन वीवीआईपी तो मेरे को बोले कि भाई कौन था वो, मूर्ति जी, नारायण मूर्ति जी, नारायण मूर्ति जी आए तो दो लोग भाग भाग के आ गए मेरे पास, बोल रहे थे सर वही वो कुंभ लेके आए, मतलब व्हाट अ वेलकमिंग दैट यू आर गिविंग। अभी तक तो मेरा 20-23 इयर्स हो गया, आई हैव बीन विजिटिंग लॉट्स ऑफ प्लेसेस, नोबडी हैज गिवन दिस काइंड ऑफ वेलकम। ये आइडिया देने के लिए हमारा गुरुजी के लिए भी एक तालियां बजा। जल्दी गेट आउट बोल रहा है भाई। सबसे ज्यादा उस दिन 28 को अगर हम बोलें कि हमारा ये प्रोग्राम इतना सक्सेस हुआ है, आप लोग देख रहे हैं इधर जो काशाय वस्त्र पहन के बैठे हैं हमारे 350 वॉलंटियर्स, गोविंदा गो। मुझे दो तीन लोग स्पेशली ऑन दैट डे थोड़े लेट हो गए थे, उन लोग तो उन लोग बोल रहे थे प्रदीप जी मैं बोल रहा हूँ आपके जो वॉलंटियर्स हैं स्माइलिंग ही है, पूरा दिन स्माइल है, कुछ भी एक भी ऐसा नहीं है। मेरा और आशा का ही है थोड़ा फेस चेंज हुआ है उस दिन, बट हमारे जो वॉलंटियर्स थे दे वर ऑल स्माइलिंग। ये जो सक्सेस है मोस्टली गोज टू देम ओनली, बिकॉज वो अपना क्यू लाइन में हो या बाहर हो या क्यूआर स्कैनर में हो, मतलब वेर एवर देवर लाइक स्माइलिंग लाइक एनीथिंग। सो ईच इंडिविजुअली तो आई कैन नॉट थैंक यू, थैंक्स बोल नहीं सकता हूँ, आप सभी के लिए बहुत बड़ा बड़ा बिग बिग धन्यवाद।